भाई जब हम 10वीं से 11वीं क्लास में मूव करते हैं तो इस प्रोसेस पूरे प्रोसेस में अगर हमारे पास पर्पस नहीं होता, कई बार हमारे पास डीप पर्पस नहीं होता कि भाई मुझे IIT क्यों करना है, मुझे नीट क्यों करना है। इतना तो सभी को पता है कि यार अगर IIT करोगे या नीट के बाद एम्स वगैरह में जाओगे तो करियर बहुत अच्छा होगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन बहुत अंदरूनी गहरी वजह किसी के पास होती नहीं है कि क्यों जाना है IIT, क्यों जाना है एम्स। अगर वो वजह हमारे पास नहीं होती तो हमारा फोकस जैसे ही लूज होता है, जैसे ही हमारे मार्क्स कम आते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार IIT जाना तो बड़ा अच्छा लगता है यार, IIT तो बड़ी औसम है यार, एम्स तो बहुत औसम है, पर यार मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, अरे यार बड़े टफ क्वेश्चन है यार, अरे यार 11th क्लास तो मुश्किल हो रही है यार। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है। क्यों हो जाता है डीमोटिवेट? क्योंकि कई बार उसका इंटरनल पैशन, इंटरनल ये मान लीजिए उसके अंदर पर्पस नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलती है, अगर आप में पर्पस नहीं है, आप में पैशन नहीं है, तो व्हेनेवर यू फील डाउन यू विल नेवर गेट अप। सो व्हाट गेट्स यू अप, क्या चीज आपको ऊपर उठाती है? जब आप गिरोगे कौन सी चीज होगी जो आपको ऊपर उठाएगी? यस, वो है आपका पर्पस, आपका पैशन। तो आज ही एक काम करिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा और उसमें लिखिएगा वो 5 चीजें जो आपको मोटिवेट करती है IIT करने के लिए या एम्स क्रैक करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए। वो रीजन कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि वो रीजन क्या है, डिटेल में बताइएगा, पब्लिकली बताइए, कोई दिक्कत नहीं है।